हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई रैम बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप DDR3 रैम बाय करते हैं, DDR4 रैम बाय करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कहीं रैम पे लिखा होता है कि ये जो है डिम रैम है, कहीं पे आपने लिखा देखा होगा कि ये जो होती है सोडिम रैम है। आखिर ये जो डिम रैम होती है और ये जो सोडिम रैम होती है क्या चीज होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ कि यह जो हमारी डिम रैम होती है वो किस जगह लगती है और जो हमारी सोडिम रैम होती है वो किस जगह लगती है और इन दोनों रैम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी डिम रैम होती है, मतलब जहाँ पे हमारे डिम लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। डिम का मतलब यहाँ पे होता है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो दोस्तों जहाँ पे भी ये लिखा हो, मतलब ये जो रैम है डिम रैम है, इसका मतलब ये है कि वो जो रैम है हमारी वो डेस्कटॉप के लिए या फिर मान लीजिए सर्वर के लिए है। आपने देखा होगा जितने भी हम पीसी बिल्ड करते हैं कंपनी तरफ से आते हैं, जो डेस्कटॉप आते हैं उनके अंदर जो हमारी रैम होती है वो डिम रैम होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सोडिम रैम होती है इसका क्या मतलब होता है। मतलब आपने कहीं पे भी लिखा हुआ देखा हुआ सोडिम, इसका क्या मतलब होता है। तो सोडियम का यहाँ पे मतलब होता है स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो दोस्तों ये जितनी भी रैम होती है, मतलब जो ये रैम होती है, मतलब सोडियम रैम होती है, ये ज्यादातर लैपटॉप में इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे लैपटॉप होते हैं उनके अंदर जो रैम डाली जाती है वो सोडियम होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका मतलब। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हमारी जो डिम रैम होती है वो जो होती है हमारी डेस्कटॉप या फिर सर्वर के लिए होती है, और जो हमारी सोडियम रैम होती है वो लैपटॉप के लिए होती है या फिर कहीं की जो माइक्रो आईटीएक्स के मदरबोर्ड होते हैं, मतलब जो ऑल इन वन पीसी होता है, कई बार उनके अंदर भी जो इस सोडियम रैम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका जो साइज है, मतलब आपके जो पीसी का वो छोटा हो सके, बहुत कम्पैक्ट हो सके, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगला जो इनमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो लेंथ होती है, मतलब आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी डिम रैम होती है उनकी लेंथ काफी होती है। अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो वो लगभग होती है 133.35 mm के करीब होती है। अगर आप इसकी जो सोडियम रैम की अगर हम लेंथ देखें तो वो लगभग उसके हाफ होती है, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 67.6 mm के करीब होती है। मतलब आप देखिए कि नियरली उसके हाफ होगी। तो इसका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, मतलब जितनी भी हमारी डिम रैम होती है, और जो सोडियम रैम का हमारा जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। और दोस्तों इनमें जो अगला फर्क होता है वो ये फर्क होता है कि जितनी भी हमारी जैसे मान लीजिए डिम रैम में या फिर मान लीजिए सोडियम रैम में जो DDR होती है या फिर मान लीजिए DDR2 होती है, DDR3 होती है, DDR4 होती है, इनमें जो पिन डिफरेंस भी होता है। पिन डिफरेंस का मतलब यह है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां पे जो हमारी स्लॉट के अंदर जहां पे पिन कनेक्ट होते हैं वहां पेज उनकी संख्या भी कम ज्यादा होती है। जैसे कि आप इस टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए कि हमारे जो डिम होती है और सोडिम इनके बीच में आप देखिए जैसे DDR होती है जिसे हम बोलते हैं डबल डाटा रेट, इसमें आप पिन देखिए, यहाँ पे जो पिन आपको देखने को मिलेंगी इसमें जो हमारी डिम में होती है वो 184 पिन होती है, पर यहाँ पे सोडिम में जो हमारी 200 पिन होती है। जैसे DDR2 में देखेंगे वहाँ पे 240 होती है और यहाँ पे जो हमारी होती है 200 के करीब होती है। और अगर मान लीजिए कि आप DDR3 में देखेंगे तो हमारी डिम रैम में 240 होती है और सोडिम में जो होती है हमारी 204 के करीब पिन होती है। और दोस्तों से अगला जो फर्क होता है कि यहाँ पे DDR4 में आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारी डिम रैम के अंदर हमारी जो पिन होती है वो 288 पिन होती है, और जबकि हमारी जो सोडियम रैम के अंदर जो पिन होती है वो होती है 260 पिन होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिम और सोडियम रैम में भी जो पिन का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जो हमारी डिम रैम होती है और जो सोडियम रैम होती है, इन दोनों के बीच में ज्यादा मेजर डिफरेंस ये होते हैं, पर इनमें और भी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, पर ज्यादातर यही डिफरेंस देखी जाती है। तो दोस्तों इससे आप यही समझ सकते हैं कि जितनी भी हमारी डिम रैम होती है वो जो हमारे डेस्कटॉप पीसी के लिए होती है या फिर सर्वर के लिए होती है, और जो हमारी जो सोडियम रैम होती है वो हमारे लैपटॉप के लिए होती है या फिर मान लीजिए कई बार जो है वो माइक्रो आईटीएक्स मदरबोर्ड के लिए होती है या जैसे पीसी ऑल इन वन होता है उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई रैम बाय करनी होती है, मतलब जब आप डेस्कटॉप के लिए कोई रैम बाय करते हैं या फिर मान लीजिए आप लैपटॉप के लिए बाय करते हैं, तो आप वहां पर देखना चाहिए कि ये जो डिम रैम है या फिर मान लीजिए सोडियम रैम है, या फिर आप साइज से देखकर भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है पीसी की रैम है, मतलब डेस्कटॉप पीसी की रैम है, या फिर मान लीजिए ये जो है लैपटॉप पीसी की रैम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारी डिम रैम होती है और जो सोडियम रैम होती है क्या चीज होती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।